सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक जो कि बहुत ही यम्मी डिलीशियस है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बनाना। उसके लिए मैंने चार हैप्पी हैप्पी बिस्किट लिया है और एक नॉर्मल चॉको बिस्किट लिया है। आपके पास जो भी बिस्किट है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ और ये देखिए ये पाउडर बन गया है। अब मैं इसको एक बॉल में निकाल लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरह से फाइन पाउडर बनाना है। तो मैंने अखा अखा बिस्किट डाल दिया था लेकिन उसको तोड़ के डालना पड़ा मुझे फिर से। तो यहाँ पे मैंने तोड़ के बिस्किट को पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूध लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है ये, ना गुनगुना दूध है, ये नॉर्मल दूध है। तो दूध को हम बारी बारी से ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए, ठीक बैटर की तरह बने। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सी दूध ऐड करके इसका परफेक्ट बैटर बनाऊंगी केक के लिए। तो आप भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही दूध का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। तो चलिए मैं इसका बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है ये देखिए इस तरह से, ना ही ज़्यादा थिक है ना ही ज़्यादा रनिंग है। तो कुछ इस तरह से बैटर बनाना है। आधे कप से थोड़ा सी कम ही दूध बचा है और हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। इसमें बिस्किट में जो हमने इस्तेमाल किया है इसमें ऑलरेडी सोडा वगैरह होता है लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ हमें लेना है 2 चम्मच मेल्टेड बटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास मेल्टेड बटर नहीं है तो यहाँ पर आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस हमारा बैटर कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, कई लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मैम हमारे पास केक टिन नहीं है। तो देखिए इस तरह से घर में जो पतीली होती है छोटी सी, आप उसका भी इस्तेमाल करके आप अपने केक को बना सकते हैं। तो इसको हम ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मेल्टेड बटर से ग्रीस कर ले रही हूँ। तो ये देखिए ग्रीस हो गया है। अब क्या करना है, बैटर को इसमें ऐड कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बैटर जो है कितना स्मूथ है, कितना सिल्की है, परफेक्ट केक बनेगा हमारे। तो ये देखिए मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब इसको हमें साइड में रखना है और चलते हैं हम हमारे गैस चूल्हे की तरफ। तो कुछ इस तरह से टैप भी करना है आपको। तो ये देखिए हमारा है देसी ओवन, यानी हम कुछ इस तरह से अपना केक बेक करेंगे। तो सबसे पहले 5 मिनट के लिए हमें हाई फ्लेम पे इसको गर्म करना है। तो इस तरह से एक जाली रखिए या कोई बर्तन रखिए जिससे थोड़ी सी हाइट मिल जाए। तो ये देखिए इसको ठंड गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये गर्म हो गया है और इसमें हम रखेंगे बहुत ही संभाल के, क्योंकि ये तपीला बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ये देखिए इस तरह से संभाल के रखिए और आपको ये बेक करना है 40 मिनट तक का। पहले तो आप 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे रखिए, फिर लो कर दीजिए। उसके बाद एक बार 35 मिनट हो जाए तो आप चेक कर लीजिएगा, और वरना ये 40 मिनट तो लेगा ही। और कुछ हैवी सामान हो आपके पास तो यहाँ पर इस तरह से रख दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं हमारा केक बना के नहीं, 40 मिनट पूरे हो गए हैं। तो ये देखिए हल्के हाथों से पहले चेक कर लीजिए। तो ये देखिए एक बार मैंने इसको चेक कर लिया था, फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ। एक टूथपिक की हेल्प से आपको इसको चेक करना है। अगर आपका टूथपिक क्लीन है तो यानी आपका केक जो है परफेक्ट बेक हो गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सी नॉर्मल होने देते हैं, ठंडा होने देते हैं, अभी बहुत गर्म है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो केक है वो ठंडा हो गया है। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो इस तरह से आपको पलट लेना है। ये देखिए हमारा केक बहुत ही आसानी से निकल आता है क्योंकि ये बहुत ही इजीली बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए दोस्तों हमारा सुपर सॉफ्ट केक कितना स्पंजी बना है। इस तरह से बिल्कुल आपको मार्केट में मिलेगा लेकिन ये घर पर ही बना है। आप लोग भी घर पर बना सकते हो बिल्कुल मार्केट जैसा, बाजार जैसा केक। आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से आप घर पर बना लीजिए। देखिए कितना सॉफ्ट है। अब इसको हमें थोड़ा सी डेकोरेट भी करना है। तो यहाँ पर मैंने पास चॉकलेट है और चॉकलेट को अच्छे से स्प्रेड करना है। तो ये देखिए
दो टेबलस्पून मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था। अब इसको अच्छे से स्प्रेड करना है। आप यहाँ पर कोई भी डेकोरेशन कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं इस तरह का चॉकलेट। तो मैं इसको पीस करके कट कर लेती हूँ। बहुत ही यमी लग रहा है दोस्तों, आप लोग के मुंह में भी पानी आ रहा होगा ना। मुझे तो बहुत ही जल्दी है इसको ट्राई करने की। तो ये देखिए मैंने पीस कर लिया है। अब मैं इसको छोटी सी प्लेट में डाल देती हूँ। ये देखिए कितना यमी डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है हमारा केक। आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कोई भी घर पे फंक्शन वगैरह हो तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।